हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी बहाली, मत्स्य प्रखंड पदाधिकारी पद 17,000 नई भर्ती, आवेदन कब तक होगा, यह जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। आप देख रहे हैं एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और आज का यह हिट जॉब को पाने के लिए आप जरूर देखें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जल्द ही इस प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा करेगी 1,13,800 प्लस का बहाली और यहाँ पे सचिवों की नियुक्ति होगी, तो उसको किस तरह से आप लोग फॉलो कीजिएगा या आप लोग देख लीजिए। पटना 13/12/2021 बिहार पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में घोषित निर्वाचन परिणाम के आलोक के 15 जनवरी 2022 तक वार्ड सचिव वार्ड सहित वार्ड क्रियावन एवं प्रबंधन समिति का गठन पूर्ण किए जाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि बिहार पंचायत चुनाव निर्वाचन 2021 प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 तक राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों का निवारण परिणाम घोषित कर दिए जाने हैं और यहाँ पे विदित है कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियावन एवं प्रबंधन की प्रक्रिया आप लोगों को चिट्ठी के अनुसार से मिल चुका है। नियमावली 2017 के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों को प्रावधान के तहत वार्ड सचिव वार्ड सहित वार्ड क्रियावन एवं प्रबंधन समिति का बिहार पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में घोषित परिणाम के आधार पर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। 15/1/2022 तक पूर्ण करा ली जाएगी। उपयुक्त के अनुक्रमण के अनुसार यह आप लोगों को संबंधित हेतु निर्देश कराने का तत्पर करा रहा है। आप लोगों को विभाजन आप लोगों को रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि 13/12/2021 के प्रतिलिपि सभी मुख्य कार्यालय पदाधिकारी जिला परिषद सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थक एवं आवश्यकता कार्रवाई हेतु विशेष घोषित कर दिया गया है। तो यह आप लोगों को 13/12/2021 का अपडेट है जो अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा करके वार्ड सचिव का चुनाव किया जाए, इसके विषय में आप लोगों के लिए यह सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक इस जॉब को पाना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपना कार्य अपने गांव में शुरू कर दें ताकि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन जानकारी मिले और अपडेट के अनुसार आप लोगों को यह जानकारी काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या क्या जरूरत करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यह भी आप लोगों को यहाँ पर दिशा निर्देश के अनुसार मिलेगा। मैं हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और वार्ड सभा के अंतर्गत आप लोगों के लिए काफ़ी जो निगरानी होगा या आप लोगों को सारा प्रक्रिया दिया जाएगा किस तरह से आपको अपने वार्ड में काम करना है, यह सारा प्रक्रिया भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो जो भी छात्र हैं आप लोग इसकी काफ़ी बेहतरीन जानकारी है। 28 जून 2017 के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे किया गया है इस प्रक्रिया को बिहार वार्ड सभा एवं सचिव के अनुसार आप लोगों के बीच एक न्यू जानकारी दिया जा रहा है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बेहतरीन जानकारी दिलाने का काम कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्त साथी को शेयर करें, यह जानकारी सभी के पास पहुँचे और आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हमेशा आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अधिक देखें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, शेयर करें, देखते रहें।